हेलो गाइस, मैं हूं सतीश। मैं आज आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं। इसमें सोनी का SAD100 एक होम थिएटर मेरे पास इधर होने के लिए आया था, जिसका थोड़ा सा मैं हार्डवेयर का जानकारी दूंगा और थोड़ा सा रिपेयरिंग टिप्स दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, ये है सोनी का SAD100 होम थिएटर। मैंने इसको खोल इधर से स्पीकर का गार्ड है और ये बैंड है, स्पीकर बैंड, और ये पूरा का पूरा फ्रंट पैनल है, मैंने निकल कर रखा है अभी। और देखिए इधर क्या आता है, देखो ये इसका बैंड है और इसमें 6 इंची का स्पीकर लगता है। और इधर ये इसका मदरबोर्ड है, मेन बोर्ड, कंट्रोल चिप, ये बोर्ड, ये इसका फ्रंट पैनल का पावर स्विच इसमें है, फंक्शन बटन, और थोड़ा सा कुछ इंडिकेटर एलईडी है, जो डीवीडी टीवी यूएसबी के कौन सा मोड पे अभी है, ये स्टेटस एलईडी। इसमें बोर्ड को मैंने रिपेयर किया है और जैसे देखिए मेन बोर्ड, ये वाला बोर्ड भी रिपेयर हुआ। और पीछे से देखिए उसका पावर एम्पलीफायर और कुछ कंट्रोल बोर्ड भी, इधर भी कुछ कंट्रोल बोर्ड है। ये पीछे के साइड में है, ये सैटेलाइट स्पीकर का कनेक्शन है, ये चारों, ये 4.1 का सेटअप है। उसका क्लैरिटी तो बेहतर है, जिस इसका जो भी इस स्पेशल इस एम्पलीफायर का खासियत है क्या, कि जब भी कोई भी ऑडियो प्ले होता है, जो भी डिवाइस में हम ऑडियो प्ले करते हैं, वो जो ओरिजिनल क्लैरिटी है उसको वो बूस्ट करता है। कुछ भी उसमें नॉइज वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा ऑडियो उसमें नहीं रहता है, वो स्पेसिफिक जो सिग्नल इसमें इनकमिंग सिग्नल है उसी को वो बूस्ट करके आउट करता है। ये तो देखिए यहाँ से 18 वोल्ट का अडाप्टर लगता है, ये वाला कनेक्टर, इसमें पावर ट्रांसफार्मर कुछ नहीं है, उसमें अडाप्टर लगता है। ये देखिए ये उसका 18 वोल्ट का सोनी का अडाप्टर है, ये इसमें यूज होता है। और वगैरह इसमें देखिए इधर से हम डीवीडी प्लेयर का ऑडियो भी इसमें लगा सकते हैं इधर से। ये वाला 2 पिन है, जो ये ऑडियो डीवीडी प्लेयर से ये लेता है। और ये वाला 3.5 mm इनपुट है, टीवी वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल वगैरह में हम इसको चलाते हैं। इसमें ब्लूटूथ वगैरह नहीं है, अगर चाहो तो सेटअप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और साउंड ऑडियो भी अच्छा है क्या, थोड़ा सा दिक्कत नॉइज वगैरह आता है। ये इसका फ्रंट फ्रंट साइड में है और मैं इसको ऑन करता हूँ, थोड़ा सा ये वाला स्टार्टर से एलईडी पावर एलईडी ग्लो करने लगा रेड का। मैंने रिमोट को ये वाला पावर बटन में अभी देखा दबाऊंगा तो ये ऑन होगा, ये रेड लाइट ही बंद होकर और ग्रीन चालू होगा। देखिए मैंने ऑन किया, ये ऑन हो गया। अभी ये वाला स्विच जो है, ये फंक्शन का स्विच बटन है, इसको मैं दबाऊंगा तो ये जो मोड है DVD 3.5 mm जो इनपुट ऑक्स है उसको स्विच करेगा। अभी मैंने फंक्शन बटन को दबाया, देखो एलईडी चेंज हो गया। अभी मैंने इसमें 3.5 mm कनेक्टर में लगाया हूँ, देखिए मैं अभी चेक करता हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, ये वाला वॉल्यूम प्लस है माइनस, मैंने प्लस दबाता हूँ, ये